नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं तो आप टी जी टी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों, बहुत अच्छा मौका है। अगर व्यस्त रहते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो मात्र 148 पद है। आप 148 में फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयासरत हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रयास करने से ही मित्रों सफलता पास आती है, याद रखना। तो कंटिन्यूस आपको प्रयास करते रहना है। आज की जो ये क्लास होने वाली है, इस क्लास में भी हम 28 क्वेश्चंस का रिवीजन ही करेंगे, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है, जैसे आपके परीक्षा हाल में आता है। तो इन 28 क्वेश्चंस का लाभ लें। लास्ट में आपको बताना होगा कितने क्वेश्चन सही गए हैं, तो वो भी आपको ज़रूर शेयर करना है कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई को आप फाइनली 28 क्वेश्चन सुबह की क्लास में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन का जो क्रम है वो 8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। कह रहा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद या फिर प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय आपसे पूछा गया। अगर भारत के सबसे बड़े संग्रहालय की बात आती है तो सालारजंग संग्रहालय जो हैदराबाद है, ये सबसे बड़ा संग्रहालय के रूप में ख्याति लब्ध है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार है? नाम गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, जहांगीर शाबरावाला का है, नारायण श्रीधर बेंद्रे का है और हेमंत मिश्र का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार है? मित्रों सभी नामों को आप अगर पढ़ते हैं तो अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जिसकी ख्याति लब्धता है वो नाम हेमंत मिश्र है। तो यहाँ पर आपको डी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन से बादामी की गुफाओं के चित्रों को किससे संबंधित बताया जाता है? नाम शिव विवाह का है, रागमाला का है, बुद्ध का है और राधा कृष्ण का नाम दिया गया। बादामी की गुफाओं का चित्र जो है वो किससे संबंधित बताया जा रहा है, बस आपको ये बताना है। अगर संबंध की हम बात करते हैं, शिव विवाह आंसर्स बनता है, राइट आंसर्स हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर्स मित्रों बना लेते हैं। आगे चलते हैं, अब तक का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आ चुका है कामसूत्र। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? नाम 64 कला है, 72 कला है, 60 कला है और 70 कला का नाम दिया गया। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है मित्रों? तो यहाँ पे 64, कितने? 64 कलाओं का उल्लेख हमें मिलता है। राइट आंसर्स हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे, 12 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है? नाम 5वीं शताब्दी का है, 7वीं शताब्दी का है, 6ठी शताब्दी का है और 8वीं शताब्दी का नाम दे दिया गया। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल पूछा जा रहा है। अब अजंता की जो गुफा संख्या 1 है, टोटल गुफाएं आप जानते हैं कि अजंता में कितने हैं, 30 हैं। 30 में से जो पहली नंबर की गुफा बनी है वो 7वीं शताब्दी में बनी है। तो राइट आंसर्स आप 7वीं शताब्दी लगाइए, सी के साथ आंसर्स मिलान करिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पर, ये रहा। पूछा गया पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है वो किस शैली से हुआ है? नाम पाल शैली का है, मुगल शैली का है, जैन शैली का है और राजपूत शैली का नाम दिया गया। पोथी चित्रण का जो स्टार्टिंग है, प्रारंभ है मित्रों, वो कौन से टाइम से स्टार्ट होता है? तो पोथी चित्रण आपके पाल शैली से स्टार्ट होता है मित्रों। और याद रखना है पाल वंश कहाँ अस्तित्व में आता है? तो पाल वंश आपके बंगाल में अस्तित्व में आता है, याद रखना है, भारत के पूर्वी हिस्से में अस्तित्व में आता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, आपसे कहा जा रहा है अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम 7 गुफा है, 29 गुफा है, 21 गुफा है या फिर 32 गुफा है? देखो कंफ्यूजन में नहीं रहना है मित्रों। अगर ऐसे ऑप्शन दिए जाएं जैसे दिया गया है 7, 29, 21 या फिर 32, तो आपको यहाँ पे निर्विघ्न आंसर 29 लगाना है। लेकिन मान लो 29 और 13 दोनों ऑप्शन में दिया गया होता तो यहाँ पे आंसर आपका 30 बनता। समझ में आई बात? अजंता पहले 29 गुफा थी, बाद में गुफा संख्या 14 और गुफा संख्या 15 के बीच में 15 एक खोज ली गई,
बस टोटल काउंटिंग में जो है अब गुफाओं की संख्या 30 हो जाती है। तो अगर ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो 29 आंसर्स लगाना है, नहीं तो आगे बढ़ के आपको 30 आंसर्स भी ढूंढना है। अगर 30 नहीं है तो 29 आंसर्स बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आता है, 5 नंबर है। अच्छा 5 नंबर है, 15 नंबर है। आपसे कह रहा है भारत के किस संग्रहालय में इजिप्टियन ममी, हेब्जिटियन ममी सुरक्षित है। नाम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का दिया गया, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का दिया गया, विचेस्टर संग्रहालय सूरत का दिया गया और सारनाथ संग्रहालय वाराणसी का नाम दिया गया। भारत के किस संग्रहालय में इजिप्टियन ममी जो है वो फाइनली सुरक्षित है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता का बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा कलाकार लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था। नाम देवी प्रसाद राय चौधरी का है, नंदलाल बोस का है, शमरेंद्र नाथ गुप्त का है और शारदा चरण उकील का है। कौन सा कलाकार है जो लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंध रखता है। अगर लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात आती है तो समरेंद्र नाथ गुप्त सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से मुंबई ग्रुप के कलाकार नहीं है। नाम बेंद्रे का आया, सैलोज मुखर्जी का आया, हैब्बार का आता है और जार्ज कीट का नाम आता है। मुंबई ग्रुप का कलाकार कौन नहीं है, तो सभी ऑप्शंस पढ़ना मित्रों। जिसका संबंध मुंबई ग्रुप से नहीं होगा वो नाम आपका जार्ज कीट आता है। तो राइट आंसर्स आपको जार्ज कीट के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आएगा, अबू शमद किसके दरबार का श्रेष्ठ और प्रसिद्ध चित्रकार था। नाम जहांगीर का आया, अकबर का आया, शाहजहां का आया और हुमायूं का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है अबू शमद किसके दरबार का श्रेष्ठतम चित्रकार रहा। तो अगर अबू शमद की बात आती है मित्रों तो याद रखना अबू शमद हों, ख्वाजा अबू शमद सिराजी हों, मीर सैयद अली हों, ये सब नाम, ख्वाजा अबू शमद सिराजी हों, मीर सैयद अली हों, ख्वाजा अबू शमद सिराजी हों, मीर सैयद अली हों, ये दो नाम हुमायूं के दरबार के हैं। जबकि अबू शमद का नाम पूछा जाए, मंसूर मिस्किन का नाम पूछा जाए, मिस्किन बहुत अच्छा पक्षी चित्रकार था, तो ये जो है अबू शमद और मिस्किन अकबर के दरबार के चित्रकार हैं। मंसूर का नाम आया तो जहांगीर का काल लगाइएगा, मंसूर जहांगीर के काल का बहुत अच्छा चित्रकार है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है, कह रहा है शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध है। नाम कार्टूनिस्ट का है, मूर्तिकार का है, चित्रकार का है और तीनों का नाम दिया गया। शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध है। अगर शेखर गुरेरा के प्रसिद्धि की हम बात करते हैं मित्रों तो राइट आंसर कार्टूनिस्ट के रूप में बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है, तो ए इज द राइट आंसर फाइनली लगाते हैं। आगे चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए चयनित कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। आपसे कह रहा है यूनेस्को से समाहित है मित्रों, यूनेस्को उसे धरोहर के रूप में स्थापित कर चुका है और कंदरिया महादेव मंदिर नाम है। क्या औरंगाबाद में है, बस्तर में है, भेड़ा घाट में है या फिर खजुराहो में है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित है और फाइनली कंदरिया महादेव मंदिर नाम है। अगर इसकी लोकेशन की बात आएगी तो छतरपुर में फाइनली पाया जाएगा, खजुराहो स्थान होगा, तो खजुराहो मध्य प्रदेश सही जवाब बनेगा। राइट आंसर्स डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर सॉल्व करेंगे मित्रों, आपसे क्या कह रहा है। 21 कह रहा है 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार हैं। नंदलाल बसु हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सिद्ध कुमार हालदार हैं या फिर यामिनी रंजन राय। 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार कौन बनता है। तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको मास्टर मोशाय के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, यानी नंदलाल बसु इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। वही नंदलाल बसु जो 10,000 से ज़्यादा चित्रों का निर्माण किए हैं, वही नंदलाल बसु जो गांधी जी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अधिवेशनों का पांडाल सजाने का काम किया। उसके साथ आप जानते हैं कि भारत का सबसे मूल दस्तावेज जिसे संविधान कहा जाता है, संविधान में पांडुलिपियों चित्रण का काम भी नंदलाल बसु का रहा है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। नाम पृष्ठभूमि वाली है, रंग योजना वाली है, आकृति और रेखाओं का नाम दिया गया। ईरानी शैली की एक विशेषता है, तो ईरानी शैली की जो एक प्रमुख विशेषता बनेगी मित्रों वो रेखा प्रधान बनेगी। तो राइट आंसर्स आप रेखा के साथ लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ।
आगे 23 नंबर क्वेश्चन आता है आपसे, कह रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है। नाम बाघ गुफा है, अजंता गुफा है, शतनवासल गुफा है और बादामी गुफा का नाम दिया गया। इसमें से कौन असंबद्ध है, अगर पूछा जाए कौन असंबद्ध आता है तो शतनवासल गुफा के साथ आंसर देना पड़ता है। वही शतनवासल गुफा जो तमिलनाडु प्रांत में पाई जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका शतनवासल गुफा बनेगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था। नाम नीरज मजूमदार का है, रतिन मित्रा का है, गोपाल घोष का है, एम एफ हुसैन का है। वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था उसका नाम आपको बताना है। अगर देखा जाए तो मकबूल फिदा हुसैन का संबंध कलकत्ता ग्रुप से नहीं है। आप राइट आंसर्स डी के साथ लगा लो, बाकी विकल्प एकदम फिट बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है, कह रहा है सैयद हैदर रजा हैं, व्यक्ति चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं और अमूर्त चित्रकार हैं। सैयद हैदर रजा का नाम पूछा जा रहा है। एसएच रजा के बारे में अगर देखा जाए तो दृश्य चित्रकार के रूप में ख्याति लब्धता है। राइट आंसर्स बी के साथ लगाएंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। आगे चलें, आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा 26 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है ज्योति भट्ट किस विधा में सिद्धस्थ कलाकार थे। ज्योति भट्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो चित्रकला है, प्रिंट मेकिंग है, मूर्तिकला है और वास्तुकला का नाम दिया गया। ज्योति भट्ट के बारे में पूछा गया, ज्योति भट्ट जिसमें सिद्धस्थ रहे हैं उनका जो नाम बनेगा वो प्रिंट मेकिंग के साथ बनेगा। तो राइट आंसर सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर फिलहाल बना लेना है। आगे चला जाए तो 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ जाता है। नाम घास के ढेर है, सूर्य उदय का प्रभाव है, रूहों का गिरजाघर है या फिर जीवनी जर्मनी के चिनार ब्रिज। मोने की कौन सी रचना है, कौन सा चित्र है जिसके आधार पर प्रभाववाद का नाम प्रभाववाद पड़ जाता है मित्रों? तो वो रचना आपका सूर्योदय का प्रभाव है। राइट आंसर आप सनराइज इंप्रेशन लगाना, सही जवाब सूर्योदय प्रभाव लगाना, सी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। आगे चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपसे, क्या कह रहा है भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है। नाम दिया गया रवि वर्मा है, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, राम किंकर वैज हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। भारतीय कलाकार हैं, प्रभाववाद का प्रभाव है उन पे, उनका नाम क्या बनेगा मित्रों? तो सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद रणवीर सिंह बिष्ट के साथ आंसर्स लगा लेना, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया कृष्ण खन्ना के चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नाम अपभ्रंश शैली है, राजस्थानी शैली है, मुगल शैली और दक्षिणी शैली का नाम दिया गया। कृष्ण खन्ना के चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? तो कृष्ण खन्ना के चित्रकला में जो शैली मित्रों हावी होती है वो आपकी दक्षिणी शैली है। राइट आंसर्स दक्षिणी के साथ लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है स्टोन हेंज पाषाण कला संबंधित है। इसराइल से संबंध है, चीन से संबंध है, ब्रिटेन से संबंध है या फिर भारत से संबंध है? स्टोन हेंज पाषाण कला का जो संबंध निकल करके आएगा वो आपकी ब्रिटेन से निकल करके आएगा। तो सही जवाब ब्रिटेन लगाना मित्रों, बी के साथ आप ऑप्शंस मिलान करना। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है चंडीगढ़ स्थित मशहूर रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद्र सैनी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 12 जून 2015 को, 25 जून 2014 को, 12 सितंबर 2015 को या फिर 31 मई 2013 को? आप जानते हैं रॉक गार्डन जो चट्टानों का बगीचा है चंडीगढ़ में, उसके निर्माणकर्ता पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी नेकचंद्र सैनी जी हैं। नेकचंद्र सैनी जी को भारत का चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार पद्मश्री भी मिल चुका है और उनका दुखद निधन जो है वो 90 वर्ष की आयु में हुआ। तो कौन से डेट में हुआ? तो वो डेट आपकी 12 जून 2015 है। राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना। आगे चला जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपसे कह रहा कलकत्ता ग्रुप का वह कलाकार जो मूर्तिकार था। नाम प्रदोष दास गुप्ता है, रतिन मित्रा है, हेमंत मिश्र हैं और इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता ग्रुप का वह कलाकार जो मूर्तिकार के रूप में ख्याति लब्धता है, सही जवाब क्या बनेगा? तो मित्रों कलकत्ता ग्रुप का वह कलाकार जो मूर्तिकार है उसका नाम प्रदोष दास गुप्ता है। तो राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स फिलहाल यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है, पूछा गया सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के 1946 ईस्वी में पहले भारतीय निर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी। नाम जाद गिप्थिस का है, शमरेंद्रनाथ गुप्त का है, वासुदेव अदूरकर का है और डॉक्टर सी एस वैलेंटाइन का नाम दिया गया। 1946 में पहले भारतीय निर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो राइट आंसर्स वासुदेव अदूरकर का है। राइट आंसर्स वी के साथ लगाएंगे।
बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, 34 नंबर आएगा आपसे, कह रहा है मित्रों गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता के वर्तमान प्रिंसिपल कौन है। अब मित्रों ये किताब छपने की डेट पूछ रहा है, उस टाइम प्रिंसिपल कौन थे, जब परीक्षा आपकी नज़दीक आएगी उस टाइम लेटेस्ट जो प्रिंसिपल होंगे उनको हम करवा देंगे, ठीक है। तो उस टाइम जो है छत्रपति दत्त थे, मुकुल चंडे थे, चिंतामणि कर थे या फिर सुदीप राय थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो कोलकाता है उसके वर्तमान प्रिंसिपल की बात आती है तो सुदीप राय उस टाइम थे, सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा, पूछा गया कौन से कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया। नाम लियोनार्डो और माइकल एंजिलो, कैरेवेजियो और टिंटोरेटो, नाम पिकासो और बाराक का है और रेफेल और रूवेंस का भी नाम दे दिया गया। कौन से कलाकार हैं जो कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं, तो वो कार्य आपके लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजिलो के द्वारा है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। मित्रों अब आपके ये 28 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं तो बारी है आपको बताने की कि आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चन सही गए हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर हो सके तो आप आंसर सही देने का प्रयास करिएगा। भारत में कुल कितने राज्य ललित कला अकेदमी की स्थापना हुई है, भारत में कुल कितने राज्य ललित कला अकेदमी की स्थापना हुई है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 4, 20, 12, 30 ऑप्शंस में है, आपको बताना है कितने राज्य ललित कला अकेदमी की स्थापना हुई। उम्मीद है आंसर्स देंगे। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।